और वो ज़्यादा लंबा चलेगा, तो मैंने पहले बोल दिया था कि मेरी क्लास है तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो उसके बाद वो पता नहीं कब मीटिंग ख़त्म होगा, उस पर वो काम भी बहुत है, तो मैं शाम को फ्री होऊंगा तो मैं भेज दूंगा। सो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यू हैव स्टडी वन ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मीन्स डिफरेंशिएट पार्शियली, क्या बोलते हैं, सपोज यू हैव द एनी फंक्शन, सपोज जेड इज द एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वट एवर, एंड डिफरेंशिएट वन टाइम्स, सो दैट इज द ऑर्डर इज वन। वैन यू डिफरेंशिएट मोर देन वन टाइम्स, सो दैट इज द ऑर्डर इज मोर देन वन, मीन्स द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो यू नो दैट सपोज जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो नाउ इन द वन वेरिएबल हाउ टू डिफाइन द डेल एफ बाई डेल एक्स, दिस इज क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई विल राइट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस, इसको के कर देते हैं, वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर के। ओके, सो नाउ डिफाइन डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर मीन्स ठीक है, सो दिस इज डेल एफ ओवर डेल एक्स, मीन्स डिफरेंशिएट डेल एफ ओवर डेल एक्स वन टाइम्स मोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज डिनोटेड बाय इन द शॉर्ट, जस्ट आई हैव मेंशन हियर कि एफ को वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स वाई, इन शॉर्ट एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज डिनोटेड बाय एफ, एंड डेल एफ ओवर डेल एक्स दिस इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स वाई। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज स्मॉल एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई इज द, वी कैन डिनोट दिस इज एफ वाई एक्स वाई और इन शॉर्ट एफ वाई। सो वट वी राइट हियर, एक मिनट, ठीक है, सो नाउ राइट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एच, यहां क्या लिखेंगे, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स यहां पे दिस इज द एफ, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो वट वी डू हियर इन द एक्स इंक्रीमेंट एच एंड वाई इज एज इट, सो नाउ दिस इज द एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, सो वट वी डू हियर नाउ इन दिस वन एफ ऑफ एक्स इंक्रीमेंट एच इन एक्स एंड वाई इज एज इट माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्लियर, हेलो, यस सर, ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यू कैन राइट डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, सो डिफरेंशिएट डेल एफ ओवर डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो नीचे के, नाउ व्हाट वी डू हियर दिस इज द एफ ऑफ वाई, सो एफ ऑफ वाई मीन्स कि इन एफ ऑफ वाई एक्स इज एज इट एंड इंक्रीमेंट इन वाई, सो दैट इज दिस वन माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई।
एंड फिर वहाँ f होगा कि f of y होगा x y में कहाँ पे? हाँ यहाँ पे एक x होगा, सही सही, करेक्ट करेक्ट, गुड वेरी गुड, क्योंकि ये हमारा नाउ और फंक्शन इज एफ एक्स नॉट ए सिंगल f, सो ऑल द थिंग्स हैपेंड इन द एफ एक्स, गुड वेरी गुड, सिमिलरली हियर f of y, थैंक यू. So now we are discussing next one is the mixed differentiation. Mixed differentiation means ki del 2f over del x del y. So what is the meaning of this one? Del 2f over del x del y means differentiate partially first with respect to y and then with respect to x. Means first differentiate partially with respect to y, then with respect to x. So first one is this one. In inside bracket, this is the first one. Yani ki del f over del y. First differentiate with respect to y, then with respect to x. So this is denoted by f of y. So what we write here, ki limit h tending to 0, now this is f of y, increment in x, x plus h, and this is y minus f of x comma y, and this is h, this is y, okay. Now del 2f over del y del x. So what we do here, first differentiate with respect to x, then differentiate with respect to y. So this is f of x. So limit k tending to 0, k. So this is f of x. Now in this one, increment in y. So x is as it, y plus k minus f of x, x comma y. So here main one question arises here. This is the remark. Ki can we write, in short we will write del 2f over del x del y. This is f of xy. Similarly, del 2f over del y del x, this is fyx. So what about fxy equal to f of yx? These are same or not? No, sir. So, no, sir. This is not always true. So when we say that ki this is true, so write ki if f of xy and f of yx, if the both are continuous at the particular point, at a point x, y, then at this point, wait a minute, then at this point f of x, y equal to f of y, x. Means if this one and this one are continuous at a point, now we can say that ki both are the same. So now by examples we will get more clear. Suppose find all partial derivatives of order 2
of the following function of following f of x y, this is log x square plus y square plus tan inverse y by x, where x y not 0 0. ठीक है, सो नाउ फाइंड. तो ये सब तो कैलकुलेट कर लोगे, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं. डेल एफ बाई डेल एक्स इज वॉट, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वेयर वाई स्टेटेड एज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज द 2 टाइम्स एक्स एंड प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, सो वाई इज एज इट एंड 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर गोज टू न्यूमरेटर एंड दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो फाइनली दिस इज 2 एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली यू कैन फाइंड एफ ऑफ वाई, तो ये खुद से कर लेना. नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड एफ एक्स एक्स, मीन्स डिफ्रेंशिएट अगेन दिस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वेयर वाई इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, ये भी कर लोगे. नाउ दिस इज द मिक्स्ड डिफ्रेंशिएशन, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो वेन यू डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, सो एक्स इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट. सो नाउ यू कैन फाइंड ऑल दिस वन एफ एक्स एक्स, दिस इज एफ वाई एक्स, ऑल्सो फाइंड एफ एक्स एक्स. ठीक है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, ये सारे आप लोग कैलकुलेट कर लेना. नाउ यू कैन से दैट, मीन्स यू विल सी दैट हियर इन दिस एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सो सी दैट कि दीज टू आर सेम, बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई 2x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो क्वांटिटी चेक करने के लिए तो रिवर्स कर सकते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेट कर लेंगे. एक मिनट, तुम्हारा आवाज पूरा वो हो गया था, इको हो गया था, अब बोलो. वो सर तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेट कर देंगे फिर कंटीन्यूअस बता देंगे. बिल्कुल, शुरू में कर रहे थे सर वो सब प्रॉब्लम सब. जो अभी तुमने कंटिन्यूटी वाला पढ़ा था, हाँ उसमें ये यूज कर सकते ना सर, इसीलिए अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. तुम्हें एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं. ठीक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था. ठीक, तो नाउ इन दिस वन शो दैट कि एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एट जीरो जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स एट जीरो जीरो, ठीक है। इन दिस प्रॉब्लम द फंक्शन इज गिवन बट यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस टू आर नॉट जीरो एट जीरो जीरो। सो हाउ टू फाइंड प्रूव दैट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो पहले हम लोग को देखो एफ ऑफ एक्स वाई एट जीरो जीरो यहाँ पे आते हैं, या एक बार लिख ही लेते हैं नीचे, ऊपर नीचे क्या जाना है, जितने में हम ऊपर जाएंगे उतने में फिर से लिख लेंगे। इसी एक को ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई ही ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज हमारा क्या है एफ ऑफ वाई, ठीक है। नाउ दिस वन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है ना, डेल एफ ओवर डेल वाई एंड डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ दिस वन, सो व्हाट वी राइट हियर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, नीचे क्या होगा जीरो, यहाँ एफ ऑफ वाई, नाउ इन दिस वन एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक। नाउ दिस वन राइट, अब इसी को थोड़ा सा ये कर दो एफ ऑफ एक्स वाई एट जीरो जीरो। तो व्हाट वी राइट हियर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ वाई, दिस इज जीरो प्लस एच, यानी क्या होगा एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो एंड डिवाइडेड बाई एच, नॉट ए एफ, ये भी वाई। सर बोलो। हेलो सर। हाँ एच कॉमा वाई, तो वाई की जगह हम जीरो क्यों नहीं पुट करेंगे सर, वहाँ एफ वाई एच कॉमा वाई आप लिखे हैं सर। कहाँ पे सर, वहीं पे बगल में। अरे गलती से हो गया, एक मिनट, सही बोले आज पता नहीं क्या, हाँ गुड, ये जीरो ही होगा, वो मिस्टेक हो गया, ऐसे लिखने में हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एट द ओरिजिन, सो डेफिनेटली एक्स इज जीरो वाई जीरो, एक्स इज जीरो वाई जीरो, ठीक है। अरे ये क्या वक्त कनेक्शन तो है ना, अच्छा कोई आया है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन, एक चीज हमें ये फाइंड करना है वन, एंड सिमिलरली एफ ऑफ वाई एक्स एट जीरो जीरो, ये क्या होगा लिमिट, एंड नाउ इन दिस वन के टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स, ये क्या होगा जीरो के माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो, एक मिनट, जीरो जीरो डिवाइडेड बाय के, दिस इज द टू। तो हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है, एंड आफ्टर इवेलुएटिंग वन एंड टू नाउ वी कैन सी दैट कि बोथ आर नॉट सेम। तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड, किसको सॉल्व किया, किसी को भी कर लो, मान लो कि पहले एफ एक्स जीरो जीरो फाइंड करो, बोलो कितना आएगा, व्हाट इज द एफ एक्स जीरो जीरो, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पे क्या होगा दिस इज नॉट एफ एक्स, दिस इज द एफ, एफ ऑफ क्या होगा एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच। So now in the given problem,
यू कैन सब्सटीट्यूट एक्स टू एच एंड वाई टू जीरो, तो सब्सटीट्यूट करके चेक करके बताओ कितना आएगा। सर एक बार फंक्शन दिखा दीजिए। अच्छा ओ, ओके ओके सर जीरो हो जाएगा। देखो इसमें मुझे लग रहा है नहीं so, जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, और उसी तरह दोनों में जीरो ही आएगा क्योंकि तो यहाँ पे इन दिस प्रोडक्ट एक्स वाई है ना, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एक्स जीरो तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट वाई जीरो और एक्स फाइनाइट हो तो भी ये जीरो होगा, तो यानी दोनों केस में क्या होगा जीरो, तो दिस इज जीरो। सिमिलरली एफ ऑफ वाई जीरो जीरो दिस इज ऑल्सो जीरो। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस टू क्वांटिटी एफ ऑफ वाई एच कॉमा जीरो एंड एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हें फाइंड करना है, ये दोनों अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो किसी एक को पहले कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई एच जीरो कर लेते हैं, एफ ऑफ वाई एच कॉमा जीरो, ठीक है, यह है ना एफ ऑफ वाई एच कॉमा जीरो। वी हैव टू इवेलुएट दिस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके h कॉमा 0 पुट कर सकते हैं। सर f ऑफ x तो सर 0 बाय 0 आ रहा है इस टाइप का। नहीं तो 0 बाय 0 आएगा, कैसे 0 आएगा, कहां पे इस एक मिनट और कोई नहीं बोलेगा, खाली ये बोलेगा इसमें बोल रहे हो 0 बाय 0 आ रहा है। हाँ यस सर। अच्छा तुम ये बताओ, जब ऊपर जब कॉमन लोग है तो तुम्हें ऊपर का न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है ना। हाँ ये सब एग्जैक्ट जीरो पे कुछ भी जीरो होता है ना। मैंने बोला ना कि एक बोलेगा खाली, उसको बोलने तो दो। हाँ बोलो। एक्चुअली क्या दिक्कत है ना कि फंक्शन तुम्हें दिखा नहीं, ऊपर चला गया। तुम एक बार इस फंक्शन को तुम लोग नोट कर लो, फिर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट यू राइट दिस वन ऑन योर पेपर कि एक्स वाई इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर का डिग्री कितना है, 3 डिग्री का है, तो हमेशा एक्स या वाई ऊपर तो कॉमन बचेगा ही, तो एक्स इंटू समथिंग मीन्स अगर जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही तो होगा, तो एक्स और वाई दोनों केस में होगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, कहां चला गया ये? ये सर परफेक्ट जीरो लेंगे तब तो होगा। नहीं ठीक है सो तो यहां बताओ क्या होगा। तो इसको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक्चुअली यहाँ पे h के जगह पे x कर देते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। सो नाउ दिस इज f ऑफ y एंड दिस इज x कॉमा जीरो, तो वो क्या हो जाएगा 2H। तो अच्छा इसका वैल्यू कितना आया था, इसका सॉल्व किया है एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा इसको वाई कर देते हैं, अब कितना आया,
माइनस थ्री एच नहीं के में आएगा ना, माइनस थ्री के आएगा, के कहो या इक्वल टू माइनस थ्री वाई। So, f of x y 0 मान लो इसको पहले सॉल्व किया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कहा गया h माइनस दिस इज 0 डिवाइडेड बाय h। सो 2h बाय h, h h कैंसिल। अब यहां भी देखो क्यों नहीं 0 0 रख दिया, जो अभी ऊपर पूछ रहे थे ना एच एच, तो एच एच कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इज 2। सिमिलरली यू कैन फाइंड एफ ऑफ वाई एक्स एट 0 0। सो दिस इज लिमिट के टेंडिंग टू 0। नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई ही निकाले ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा के टेंडिंग टू 0 कहा गया ये वाला। सो नाउ इन दिस वन माइनस 3 सर, हाँ बोलो सर, एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा 0 में 2 बाई एच आ जा रहा है फिर 2x से। एक मिनट आते हैं वापस आ जाते हैं, ठीक है कोई बात। दिस इज माइनस 3, वो आते आते उस पे आते। चलो किस में करो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? f(x,0) में कोई नहीं, f(x,0,y) में आ रहा है प्रॉब्लम ना? नहीं सर, f(y,x,0) में। यस सर सही बोल रहा है, 2/h होगा, पूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा नीचे। हाँ सर नीचे। अरे एक मिनट, एक एक बोलो ना, किस में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर उसका आंसर 2/h होगा। किस में पूछ रहा हूँ सर, ये जिसको आप 2x लिखे हैं वो 2/x होगा। अच्छा मतलब तुम्हारा कहना है कि इसमें प्रॉब्लम है। यस सर यही है ना, तो यहाँ पे ठीक कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं फंक्शन को वापस यहाँ नोट कर लेते हैं। तुम नोट किया है ना? यस सर। एक मिनट। हाँ सर रुक जाओ कोई बात नहीं, ठीक है बोलो क्या है एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स इंटू वाई इंटू 2x² - 3y² 2x² - 3y² -3y² बाई x² + y² x² + y² ये है ना? यस सर। ठीक अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कहा गया एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा 0 एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा 0 यही हम लोग को निकालना है ना? सो नाउ ठीक है लिमिट के टेंडिंग टू 0 ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा ये क्या हो जाएगा 0 + k यानी कि k होगा ना, एक्चुअली एक्स नॉट यहां पे x है ना तो ये 0 नहीं होगा ठीक है, तो एक्स कॉमा k हो गया माइनस यहां पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 y 0 रखना है और x के जगह पे x रहेगा, तो इसीलिए तुम चाहो तो h भी रख के कर सकते थे। ये हो गया नाउ डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा दिस इज k। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं,
की लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, दिस इज के। अब बताओ क्या होगा, x इज एज इट एंड y की जगह पे क्या लिखना है, k लिखना है। x इज एज इट और y की जगह पे क्या लिखना है, k लिखना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, y को जीरो अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो ये जीरो इंटू, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म। तो हमारा क्या बचेगा कि x इज एज इट एंड y के जगह पे k सब्सिट्यूट करते जाओ, तो x y के जगह पे k 2x स्क्वायर माइनस y जीरो है ना, तो ये हो गया जीरो एंड डिवाइडेड k है सर, y k है, y k। हाँ ठीक ठीक, रुको फिर से मिटा सब कर दिया, सही सही। हाँ सही कहा, ठीक है ठीक है, ये जब मुझे कंफ्यूजन हो गया, x को रहने देते हैं एंड y को k कर देते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ एक बार चेक करके देखो तो x सर, जीरो आ रहा है, जीरो आएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। अब बताओ इसको सिंपलीफाई करके बोलो तो 2x ही आएगा सर, 2 बाय h आएगा, 2 बाय k सर, 2x आ रहा पूरा सॉल्व करके, ठीक है सर, चेक कर दिया, 2x आ रहा, 2h ही है सर, ठीक 2x ही आएगा सर, इसको सॉल्व करो तो ये 2x ही आएगा, मैंने भी किया अभी, फिर से करो सर, पार्शियली डिफरेंशिएट करके x को कांस्टेंट लेके फिर भी यही आ, इसको एक तरीका और है, इसको ना ये नीचे भेज दो यहाँ पे, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट और इसको हटा दो, ठीक। तो अब हमारा क्या क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया कि लिमिट के टेंडिंग टू जीरो के एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड के, ये हुआ ना, तो ये के और ये के यहाँ से कॉमन हो गया, कैंसिल कैंसिल हो गया ना। अब देखो तो कुछ ये k के कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू जीरो अगर सब्सिट्यूट करते हो तो कितना आ रहा है, 2x, ये x रहने दो, 2x स्क्वायर माइनस जीरो एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस जीरो। तुम लोग लग रहा है ना ज्यादा दिमाग लगा दिया उसमें, तो x स्क्वायर यहाँ क्या होगा, 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ये हो तो गया 2x। मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ जरूर से ज्यादा उसको वो कर लिए हो, ठीक है, सो दिस इज द 2x। तो कहाँ पे हम लोग थे, तो हाँ 2x, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करो कि ये तुम्हारा माइनस थ्री वाई आ जाएगा, सो व्हेन यू सी कि दिस टू आर नॉट सेम, ओके। एक क्वेश्चन और तुम लोग कर लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं ना कि ये दिखाई देगा, यस, या नेक्स्ट पेज पे, कि एफ ऑफ
एक्स कॉमा वाई, दिस इज एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जीरो, जीरो एंड एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है। सो सेम वही चीज करना है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं प्रूफ दैट तो इसको कर लोगे, रहने दे, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। थोड़ा सा तुम लोगों को ना, अब अरे दस दस हो गए। सो नाउ दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। सो व्हाट इज द होमोजीनियस फंक्शंस? A function f of x, y, suppose you have the function f in the variable x and y, this is called homogeneous of degree n in variable x and y. So already I have mentioned f is the function of x, y, so therefore we can say that if the function f is called the homogeneous function of, तो यहाँ function लिखा है तो इसलिए यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, of degree n in variable x and y, so what we say that कि if it can be written as, it can be written as in any one of the following, as in any one of the following, यानी कि नीचे में किसी के फॉर्म में भी अगर लिख सकते हो, means suppose the function f of x, y is the homogeneous of degree n, suppose if we can write, means replace x to lambda x and replace y to lambda y, and when you write, means the lambda is completely outside of the function, and suppose this is the degree n, so this is the lambda power n and f of x, y, means any function f in the variable x and y, now in this one when you replace x to lambda x and y to lambda y, and now if you completely common lambda outside of the function f, now you can say that ki this is the continuous function, homogeneous function. Second, if f of x, y, suppose if we take the completely x ka power n, in x ka power n if you take the common, now your next means the our new function is in the form of y by x, and suppose या थर्ड केस, सपोज नाउ यू विल टेक द कॉमन y, तो y पावर n इफ यू टेक द कॉमन, सो आवर द फंक्शन सपोज h इज द फंक्शन ऑफ x by y, सो इफ यू राइट इन फॉर्म ऑफ वन दैट इज द होमोजीनियस, और इन टू दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस, इफ यू राइट इन द थ्री दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस। सपोज इन द थ्री वेरिएबल, remark, suppose u is the function of x, y and z, so how to check the this is the homogeneous or not? So now in this one again
इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई एंड लेमडा जेड, दिस इज द लेमडा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई जेड. नाउ एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन. या सपोज इन द सेकेंड केस एफ ऑफ एक्स वाई एक्सटेंडिंग एक्स एक्स द कॉमन, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू इफ यू टेक द एक्स के पावर एन कॉमन, तो दिस फंक्शन जी, दिस इज द इफ यू टेक एक्स कॉमन सो दिस इज वाई बाई एक्स एंड जेड बाई एक्स. नाउ इन दिस वन, या सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सपोज यू हैव टेकन वाई कॉमन सो आवर फंक्शन इज एक्स बाई वाई एंड जेड बाई वाई. ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स वाई जेड सपोज जेड इज कॉमन सो दिस इज अनदर फंक्शन जी एच सपोज फाई. नाउ दिस इज एक्स बाई जेड एंड वाई बाई जेड. सो इफ यू राइट एनी वन ऑफ द दिस वन फॉर्म नाउ यू कैन से दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस. सो नाउ बाई एग्जाम्पल्स वी विल चेक दैट विच फंक्शन इज होमोजीनियस एंड विच आर नॉट होमोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल सपोज एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दिस इज होमोजीनियस और नॉट? नहीं सर. तो इसको दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई. सो दिस इज लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई. सो वेन यू टेक द लेमडा सो दिस इज लेमडा एंड वाई. सो दिस फंक्शन इज नॉट ए एफ ऑफ एक्स वाई, नहीं है ना? मीन्स वी कैन नॉट टेक लेमडा कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन. सो दिस इज नॉट होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस. नाउ इन द सेकेंड टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, इफ यू रिप्लेस वाई टू लेमडा वाई एंड एक्स टू लेमडा एक्स सो नाउ एफ ऑफ एक्स वाई इज टैन इनवर्स लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स. सो लेमडा लेमडा कैंसिल, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स सो दिस इज लेमडा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. सो नाउ वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन सपोज जी ऑफ एक्स वाई दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द होमोजीनियस और नॉट? यस सर. ओके, डिग्री इज माइनस टू, डिग्री इज माइनस टू. नाउ सपोज एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स के पावर फोर प्लस वाई पावर फोर प्लस जेड के पावर फोर, दिस इज द होमोजीनियस और नॉट? इफ द होमोजीनियस सो व्हाट इज द डिग्री? माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन डिग्री और होमोजीनियस सर. सो डिग्री इज माइनस वन. अच्छा, सपोज रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ दिस वन माइनस हाफ,
डिग्री होमोजेनियस माइनस माइनस हाफ, सो दिस इज द होमोजेनियस डिग्री इज माइनस हाफ, सो दिस इज द होमोजेनियस। तो इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा मान लो एक्स प्लस या एक्स प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज होमोजेनियस और नॉट? नो सर। सो दिस इज नॉन होमोजेनियस, ठीक है। अब ऐसा आप रहने देते हैं, 10:20 हो गया। एक्चुअली मीटिंग हमारा 9:45 से ही था, तो तुम लोग अभी तक जितना पढ़े हो उस पर प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं। या एक एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, प्रूफ रहने देता हूँ, उस पर तुम लोग क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो, या छोड़ो जान दो, ठीक है। सीआर कहाँ है? यस सर, अटेंडेंस दे देना, ठीक है सर, अटेंडेंस। और वो जो क्वेश्चन है ना, मुझे दोपहर के बाद एक बार रिमाइंड करा देना, मैं भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसको मैं क्लियर क्लियर लिख के भेज दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जहाँ पे डाउट होगा, ठीक है सर। वैसे मुझे डाउट होगा वो भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.